हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हमारा गोवा में थर्ड डे है, यानी कि लास्ट डे है। आज हम फुल डे यहाँ रहने वाले हैं, उसके नेक्स्ट डे हम निकलने वाले हैं। तो आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं गोवा में। तो अभी हम सभी निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ हारूल को आप देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ इसकी शैतानी चलती रहती है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं नीचे रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जो होटल का ही है, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। और ब्रेकफास्ट में आज भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर ये जो है पाव भाजी है, पाव है। और यहाँ ये भाजी है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बड़ा है, बड़ा सांभर भी है, सांभर तो है ही इडली के साथ में। और ये सेवई की ये है, पुलाव है। और यहाँ पर ये सीरा है। एंड यहाँ पर फ्राई है, वेज फ्राई, मतलब वो स्टीम किया हुआ। और ये नूडल्स है, हक्का नूडल्स। एंड यहाँ पर जो साबुदाने की खीर है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, देखने भी लग रही है। और यहाँ पे तीन चार तरह की चटनी है, जो कि इडली सांभर और बड़ा के साथ में आप ले सकते हैं। वाटरमेलन जूस पी रहे हो? ठीक है, 4-5 किलो कर रहे हैं। और यहाँ पर बाहर में फ्रूट का स्टॉल है, और वहाँ पे ही आपको ये कप केक वगैरह मिलते हैं, रखे होते हैं, जहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। या बहुत वैरायटी के ब्रेड होते हैं, जैसे कि एक मेरे प्लेट में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले थोड़ा थोड़ा फ्रूट ले लिया है, कि पहले फ्रूट खा लेते हैं फिर जो खाना होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है बड़ा सांभर। क्या ये बड़ा बोल रहे हैं? क्या खा रहे हो? गोवा में आकर फास्टिंग वाला खाना तो खा रहे हो, फ्रूट, नूडल्स, सब ज्यादा बड़ा। ब्रेकफास्ट यही मिलता है ना? चलो, ओके ओके। यहाँ पे फ्रेंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। अब हम सभी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ अरुल साइकिल चला रहा है, जो कि कभी चलती नहीं है, एक मतलब ऐसे ही शो के लिए रखी हुई है। और यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जो कॉलेज की टीम आई हुई है, एडवेंचर टीम, जैसा कि मतलब टी शर्ट के ऊपर लिखा होता है। तो वो लोग, उनके बच्चे जो आए हुए हैं, वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं पूल को। और हम सभी अभी ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होटल है, तो ये जो होटल है ना, इसकी इतनी सारी बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग और अलग अलग नाम से है। जैसे कि एक टाउनशिप के अंदर में जैसे होते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग रेट और अलग अलग फैसिलिटी के साथ में होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये होटल है। और काफ़ी बड़ा होटल है, और ये मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर में, इसके कैंपस के अंदर। और ये स्विमिंग पूल का एरिया, यहाँ पे जो फॉरेनर लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे फॉरेनर सब सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक सब यहाँ पे आराम चेयर पे लेटे रहते हैं, सब रेस्ट वाले चेयर पे, धूप लगने के लिए। समृद्धि कम बैठो, बंद है, बंद है, बटन दबा। छोटा सा एक होटल का टूर जो मैं आपको करवा रहा था। अरुण, ए अरुण, कहाँ आज क्या करने निकल रहे हो? आज मैं लिख लूंगा स्कूटी से, बोला आज मैं लिख लूंगा गोवा, आने बीच जाऊंगा, फिर उधर बहुत कुछ करूंगा। क्या करने वाली हो समृद्धि? वाटर स्पोर्ट्स। वाओ, लुक दिखाओ तो अपना। अरे वाह, तुम लोग अगर थोड़ा सा मन करे तो थोड़ा हमको भी करवा देना। क्या वाटर स्पोर्ट? छोटे बच्चे को देखिए, ये मेरे छोटे, दिखा दो। और हाँ, कुछ नहीं, सीटी बजाए। तो भाई फ्रेंड्स लोग, हम इस उम्मीद बजा रहे हैं कि कहीं ये बड़े लोग हमको जो कुछ करवा दें। बाकी नन्ना मुन्ना बच्चे को आप देख ही पा रहे हैं कि कितने हम कैसे क्यूटी क्यूटी पाई लग रहे हैं। भाई आप लोग अगर कृपा बने आप लोग की, तो आप लोग थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स हमको भी करवा दीजिएगा। चलिए सर, इन लोगों की कृपा पड़ी, भाई साहब हम लोग जिंदा हैं। चलिए, फ्रेंड
यहाँ पे हम सभी निकल रहे हैं बीच पे जाने के लिए, क्योंकि बीच पे आज बहुत मतलब बच्चों को और हम सभी को आज करना है पैराग्लाइडिंग, मतलब कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का प्लान है। तो बस अब इसी के अब मैं बड़ा हो गया हूँ फ्रेंड्स। अभी हम लोग जा रहे हैं कैलंगुट बीच और यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे मस्ती। ये देखिए फुल फैमिली हमारी साथ में है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सभी, जैसा कि बताया है इन्होंने कि हम सभी बीच के लिए निकल रहे हैं, तो मतलब बीच के लिए तो निकल ही चुके हैं, मतलब कैलंगुट बीच पे हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन 9 बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि कितने मतलब मार्केट पूरे सज गए हैं कपड़ों से। तो कपड़ा का मार्केट यहाँ पे, जो ड्रेस के मार्केट जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपको जो मतलब बाकी सामानों के भी मिल जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा ड्रेस के ही मिलते हैं। और ये बात अच्छा नहीं लग रहा है ना कि गोवा वाले बीच पर सीधे उठे और निकल गए। अच्छा वाटर स्पोर्ट्स भी करना है क्या, मतलब बच्चे के जान ले ही लोगी। हाँ जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मैं जब छोटा बच्चा था अभी शरारत करता हूँ, हर दिन शरारत करूँगा। बोली को अपने संभाल के रखो। हेलो, वी आर ऑन द बीच। तुम भी बोलो। ए इधर 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 वी आर ऑन द बीच। करना है पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे बनाना राइड वगैरह बहुत सारे हैं, तो हम लोग बनाना राइड नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे बच्चों को भी मन है पैराग्लाइडिंग करने का,
तो हमने उसके रेट पता किए, तो मैं उसके रेट आपको बता देती हूँ फ्रेंड, कि हमें लगे थे यहाँ पे पर पर्सन 1000, तो यहाँ पे उससे कम करने को तैयार नहीं। और बच्चे जो है ना उनके भी सेम रेट, मतलब जितने बड़े के उतने ही छोटे के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बच्चे जो है उसे आप एक बड़े एक बच्चे जा सकते हैं, मतलब एक अब आपके दो किड्स हैं, जैसे मेरे दो किड्स हैं, तो हम किड्स को अकेले नहीं छोड़ सकते, अकेले के लिए नहीं जाने दे सकते, तो हमें अपने साथ ही एक को मतलब एक एक करके हमें बच्चों को लेना होगा। जैसे मैं अपनी बेटी या बेटे को लेकर जाऊँगी, मेरे हस्बैंड अपने, मतलब दोनों में से कोई एक को वो लेंगे, एक को मैं लूँगी। लेकिन फ्रेंड पता है आपको, एक बार ही में ही हम दो को करवाएंगे, लेकिन लेंगे एक, मतलब एक बार में सबके हजार हजार, मतलब 4000 रुपये मुझे पेड करने है। इसका तो मुझे हिसाब समझ में ही नहीं आया है कि उनका मैथ क्या है, कि अलग अलग तो हम करवा नहीं रहे हैं, तो कम से कम बच्चे का रेट कम करना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ हम दो लोग कर रहे हैं। बजट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मुझे कि ये चलो यहाँ पे, और इतनी बार्गेनिंग है, मतलब चलती भी नहीं है सब जा रहे हैं मतलब हम जब दो जन एक साथ जा रहे हैं, एक बच्चे को लेकर एक बड़े जा रहे हैं, तो हमें कम से कम बच्चों का कम थोड़ा कम तो करना चाहिए। तो नहीं, ये 1000 1000 ही ले रहे हैं, 1000 1000 में हमने 4000 वहाँ पे पेड किया, तो दो बार में गए। तो अगर बच्चे हमारे बड़े होते तो फिर बच्चे अलग जाते, मतलब सब अलग अलग करके हम चार बार में हम चार जन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, दो बार में ही चार जन गए, बट लिया चार जन के पैसे। तो ये मतलब ये मुझे सही नहीं लगा है। वैसे भी ये मतलब इस सब जगहों पे आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं है फ्रेंड, बाहर जब जाते हैं तो पैसे खर्च होते ही हैं, बट कहीं पे किसी को ज़्यादा किसी को कम लगता है, बट कहीं पर भी अगर आप जब ये सब टाइप की आपको वाटर स्पोर्ट्स करनी हो तो रेट को आप थोड़ा सा तोड़िए, तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप पेड कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब अब यहाँ पर जो है हम लोग निकल चुके हैं, बोट पे बैठ गए हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और वहाँ पर बाजू में आप देख सकते हैं कि बनाना राइड भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड मैं तो अपने ब्लॉग को यहाँ से भी कंटिन्यू ही रखूँगी, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं यहाँ पे करूँगी इन, और यहाँ से ही हमारी दूसरी ब्लॉग शुरू रहेगी, जो कि हम निकल रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और पूरी वीडियो देखिए, और इसके बाद जो ब्लॉग आएगी जस्ट इसके मतलब बाद आने वाली है, तो उसमें मैं आपके साथ में पैराग्लाइडिंग की पूरी मतलब शेयर करूँगी और अपने एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। अगर आपने नहीं किया है तो आपको पता चलेगा कि मतलब उस पर कैसी फीलिंग आती है, मैं बच्चों के साथ करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन